राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। कन्या राशि वाले जातकों का वृद्धि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र पर्याप्त वृद्धि करेगा। जहां से ये पैसा कमाते हैं उनका अच्छा व्यवसाय बढ़ेगा, अच्छा पैसा कमाएंगे, कोई भी अवरोध इनके व्यापारिक क्षेत्र में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो इनके शत्रु हैं, शत्रुवत व्यवहार करने वाले लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। शत्रुओं से इन कन्या राशि वाले जातकों का शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अपनी सहयोगी राशियां जो हैं उनको लेकर के भी आगे बढ़ेंगे। व्यर्थ में यात्रा ना करें। अगर आप व्यर्थ में यात्रा करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं, कर्म पर ध्यान दें। कन्या राशि वाले जातक हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। कन्या राशि वाले जातक जो विवाह के लिए योग्य हैं, उनका इस समय विवाह अवश्य हो जाएगा। नौकरी के लिए जो चाह रखते होंगे, जिन्हें नौकरी की चाह होगी, नौकरी देख रहे होंगे, नौकरी मिल नहीं रही होगी, तो ये समय नौकरी के लिए उनको विशेष लाभप्रद है। आप एक बार जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपको निश्चित नौकरी प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब चाहने वाले व्यक्ति भी इस समय गवर्नमेंट जॉब का योग संभाल सकते हैं, मिल सकता है उन्हें गवर्नमेंट जॉब का योग, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ क्रियाएँ जो आपको पूरी करनी होती है, फॉर्म भरिए, टेस्ट दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, रिजल्ट आएगा तब आपकी वो होगी, तो उसमें समय लग जाता है, लेकिन इस समय दिया हुआ टेस्ट आपको लाभप्रद होगा। पढ़ाई पर विशेष फोकस रखें, मेहनत पर फोकस रखें, मेहनत करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा और मेहनत के साथ साथ आपके जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। राजनीति के क्षेत्र में आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अगर आप कहीं से भी राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान देने वाली बात है कि आप झूठ बिल्कुल ना बोलें, झूठ से बचें, कन्या की पूजा करें। दो उपायों को आप करें, आपको लाभ मिलेगा। गुरु बुधवार के बुधवार गाय के लिए हरा चारा खिलाएं तो आपको बेहद लाभ होगा और आपके कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रॉपर्टी का विवाद अगर चल रहा है तो वो दूर होगा। कन्या राशि वाले जातक अपने आप में सक्षम हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं आती क्योंकि उनके ग्रह दशा बहुत प्रबल है। कन्या राशि वाले जातक मार्च के महीने में कोई कार्य अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हो तो उसको कर दें, सोचे नहीं, बिल्कुल कर दें तो उनको लाभ मिलेगा। व्यापार क्षेत्र में तो उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। विरोधी शांत होंगे, जो विरोधी हैं उनको शांत होंगे, लेकिन जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें उथल पथल हो सकती है, अर्थात थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनि चालीसा का आप पाठ करें, आपको बेहद लाभ मिलेगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएँ हैं वो दूर होंगी। संतान की चाह रखने वाले कन्या राशि वाले जातक इस समय जो भी कार्य आप मन में सोच करके, विश्वास करके करेंगे, आपका कार्य सफल होगा। भगवान पर प्रेम का वशीभूत होगा और भगवान से प्रेम करें, भाव रखें, विश्वास रखें, प्रतिदिन मंदिर जाएं। कन्या राशि वाले जातक प्रतिदिन मंदिर जाएं, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, हनुमान जी महाराज, शिव जी, सबको चरण वंदनों में प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। प्रतिदिन मंदिर जाएं, आपके कार्य हो जो रुक रहे हैं वो निश्चित पूरे होंगे और कोई भी दिक्कत आपके कार्यों में नहीं आएगी। कन्या राशि वाले जातक, आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो माता पिता की सेवा अवश्य करें। माता पिता, बुआ बहन, भाई आदि से प्रेम रखें और किसी भी प्रकार से अपने जो विरोधी हैं उन पर विश्वास ना करें। अगर उन पर आप विश्वास करेंगे तो आपका कार्य क्षेत्र कमजोर पड़ सकता है। तो कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। 2022 के मार्च में इनको बहुत ही फल मिल सकता है, फलद हो सकती है, इनके व्यापार क्षेत्र चमक सकते हैं और इनको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जिस समाज में ये बैठेंगे उच्च पद प्राप्त करेंगे। ये कन्या राशि वाले जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।